जब मैं आसाम में थी तब ऑब्वियसली मेरे बड़े भैया आए, तो मैं वही उनके लिए जो जैसे करते हम राखी लाते हैं वो चॉकलेट देता है डेरी मिल्क, एंड आई गेट वेरी हैप्पी कि हाँ चलो चॉकलेट डेफिनेटली आई मिस हिम। एक्चुअली मेरे भैया क्रिटिक नहीं है, मतलब वो देख देख के वो रो रहा था वॉशरूम में जाके मुँह धो के, फिर वो देख रहा था फिर वो रो रहा था। सो हाई, दिस इज सुरभि दास एंड यू आर वॉचिंग फर्स्ट इंडिया टेली। आप रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हो और क्या स्पेशल है? सो जब मैं आसाम में थी तब ऑब्वियसली मेरे बड़े भैया आए, तो मैं वही उनके लिए जो जैसे करते हम राखी लाते हैं, पर आसाम में बहुत ज़्यादा यू नो रक्षाबंधन बहुत ऐसे सेलिब्रेट नहीं होता है, बट देन आजकल होने लगा है वो, तो वही राखी लेके आते और बांधते, फिर भैया कुछ देते, लाइक सिंपल। आपकी कोई रक्षाबंधन की ऐसी बेस्ट मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते? बेस्ट मेमोरी यही है कि मैं लेके आती हूँ राखी और फिर भैया बंधवाते, फिर वो चॉकलेट देता है डेरी मिल्क, एंड आई गेट वेरी हैप्पी कि हाँ चलो चॉकलेट मिल्क। पहले की बात है तो अभी तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे मैं अकेली हूँ, तो डेफिनेटली आई मिस हिम। तो जैसा आपने कहा आपके भैया हैं तो वो आपको देखते हैं टीवी पे, तो मतलब वो भाई बहन तो बेस्ट क्रिटिक्स होते हैं, लोग बिना फिल्टर बोल देते हैं जो होता है, तो आपके भैया क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरे भैया क्रिटिक नहीं है, ही इज़ मोर इनटू मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ ही करते हैं वो मतलब क्रिटिसाइज भी नहीं करते कि ये अच्छा नहीं लगा, वो नहीं लगा, ये बहुत अच्छा लगा, तुमने जो ऐसे किया तुम बहुत अच्छा लगा, हाँ ऐसे करना तुम ऐसे करना, तो लाइक दैट। जो पहला एपिसोड भी जब एयर हुआ था हमारा, ऑन एयर हुआ था, ही वॉज क्राइंग, मतलब वो देख देख के वो रो रहा था वॉशरूम में जाके मुँह धो के, फिर वो देख रहा था फिर वो रो रहा था। सो दैट्स हाउ आवर बॉन्ड इज, इट्स वेरी स्पेशल। लास्ट क्वेश्चन, आपके इस साल के रक्षाबंधन के प्लान्स क्या हैं? शूटिंग प्रोबेबली, नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।